सीएम जयराम ठाकुर ने हरियाणा सरकार से एनएच किनारे ढाबे खोलने की रखी मांग, अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश में खुले बाजार और उचित मूल्य की दुकानों में चावल, गेहूं, आटा, दालों, तेल और चीनी जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुओं का पर्याप्त भंडारण है। वह आज यहां कोविड 19 वायरस के संक्रमण के कारण प्रदेश में लगाए गए कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए किए जा रहे प्रबंधों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को समय रहते मध्य प्रदेश और तेलंगाना सहित अन्य राज्यों से दालों की आपूर्ति करने की समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से आग्रह किया है कि हिमाचल प्रदेश के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री को लेकर आने वाले ट्रकों के चालकों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर कुछ ढाबे खोलने की अनुमति प्रदान की जाए।